हेलो गाइस, LIC इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी क्यों है? एक तरह से कहा जाए तो LIC ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर की सक्सेसफुल कंपनी है। कुछ महीने पहले ही LIC ने IDBI को खुद में शामिल कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज सक्सेस के टॉप पे है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि हमेशा से ही यह कहा जाता है हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक महिला की सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ है। LIC ना तो महिला है ना ही एक आदमी है, फिर भी ये सफल इंश्योरेंस कंपनी है। इसका सारा क्रेडिट इसके अकाउंट होल्डर्स को जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर LIC के पास ही है। LIC इंश्योरेंस कंपनी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी साथ देती है। आपको या फिर कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर को भी शायद पता नहीं हो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 245 कंपनियों को मिला के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई थी, और उस टाइम सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने LIC ऑफ इंडिया के मार्केट में 70% से भी ज्यादा शेयर बना दिए। LIC अब तक टॉप पे बनी हुई है। क्या आपको पता है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोई बात नहीं, इसको जानने की जरूरत नहीं है। कल बैंक, SSC या रेलवे का एग्जाम नहीं है। ये तो इसीलिए पूछा, अगर लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर्स को मिला दिया जाए तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि घर घर LIC इंश्योरेंस एजेंट हो गए हैं। ऐसे में अब लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए बता दूं, सिर्फ घर घर एजेंट ही नहीं है बल्कि उस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आपके घर के आसपास या रिश्तेदार में कोई ना कोई इस कंपनी में किसी न किसी तरह से जरूर जुड़ा होगा। इस कंपनी की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और कुछ ही सालों में LIC ने देश की सबसे बड़ी इमारत बनाई, जिसमें डायरेक्ट 1,00,000 से भी ज्यादा लोग और करीब 11,55,000 इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात नहीं बल्कि LIC के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर को बीमा खरीदना है तो वो बोलता है LIC ही चाहिए। जैसे कि जब भी हम पानी की बोतल लेते हैं तो हम बोलते हैं बिस्लेरी ही चाहिए, फिर चाहे उसकी जगह दुकानदार कोई और बोतल दे दे। कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी हैं जो 3-4 हज़ार करोड़ में ही चर्चा में बन जाती हैं, लेकिन साल 2018 में LIC के पास 15,000 करोड़ थे, और 15,000 करोड़ की तो वैल्यू थी और पैसा अनलिमिटेड था जिसका कोई लेनदार नहीं है। 1956 से अब तक LIC का कोई कंपटीटर नहीं था, और आने वाले सालों में भी LIC अपनी पूरी ईमानदारी से सर्विस दे रही है। उस टाइम उसके पास लिमिटेड पॉलिसी ही थी, टर्म प्लान जैसी कोई पॉलिसी नहीं थी। साल 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योरेंस लाइसेंस देना शुरू कर दिया। इसके बाद देश में कई सारी इंश्योरेंस कंपनी आई और कुछ कंपनीज कस्टमर का पैसा लूट के भी चली गई। अभी तक 24 रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में हैं, जिसमें सिर्फ LIC ही पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट कंपनीज आने के बाद भी LIC ऑफ इंडिया बिजनेस में पहले स्थान पे है। इसका पूरा क्रेडिट अकाउंट होल्डर्स को जाता है। LIC टाइम और ज़रूरत के अनुसार कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में लेके आई और पॉलिसी होल्डर्स के लिए टाइम टू टाइम चेंज करती रही। आज इंडिया में BSNL की कंडीशन आपको पता ही है, इसके बाद भी इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, लेकिन LIC ऑफ इंडिया में सिचुएशन के हिसाब से चेंज किए जाते हैं। इसके प्रॉफिट का 5% सीधा हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। इसी वजह से सरकार की गारंटी LIC पॉलिसी होल्डर्स को भरोसा दिलाती है और हर पॉलिसी होल्डर का पैसा सुरक्षित होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आपके घर से ज़्यादा LIC में पैसा ज़्यादा सुरक्षित है। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास जमा किया हुआ पैसा किसी न किसी प्रोजेक्ट पे खर्च करता है और उससे मिलने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स को देता है। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए LIC का 80% से भी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 2017 में 23 ट्रिलियन थी। इसके अलावा देश की और भी बड़ी कंपनियां जैसे ITC, SBI का 10-15% पैसा LIC के पास है। IDBI बैंक, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 1964 में हुई थी, देश में बहुत सारे बड़े बैंक होने के बावजूद भी इसका 51% शेयर LIC ऑफ इंडिया के पास है। आज IDBI बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन LIC ऑफ इंडिया ही है। इसका शेयर LIC के सभी पॉलिसी होल्डर्स को जाता है। आज ये बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है और आगे भी शायद देश की बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी रहेगी। इसकी बड़ी वजह है टाइम और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स को चेंज करती रहती है और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कई तरह के सेल्स ट्रेनिंग भी देती है, इसी से उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो आसानी से बन सकता है, इसीलिए आपके आसपास गली मोहल्ले में काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट आपको मिल जाएंगे। LIC अपनी पॉलिसी होल्डर के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को भी बहुत ही फ़ायदा देती है। इस कंपनी में
अपने इंश्योरेंस एजेंट को दिल खोल के पैसा दिया और काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी दी। जिस किसी एजेंट ने फुल टाइम जैसे काम किया उसको काफ़ी सारा प्रॉफिट भी हुआ। LIC ऑफ इंडिया के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। अक्सर लोग सोचते हैं LIC एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सही से काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी कंपनी होते हुए भी ये अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी सर्विस देती है। वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए कुछ गलतियाँ यहाँ भी हैं और ये गलती कुछ LIC एजेंट्स और LIC एम्प्लॉयज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो LIC से अच्छी चॉइस नहीं है और अपनी लाइफ को सिक्योर करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।